क्या आपको पता है कि कुरान में जिक्र है कि एक दिन सूरज पूर्व से नहीं बल्कि पश्चिम से उगता हुआ दिखाई देगा। अब आप कहोगे अंकुर भाई किस लाइन में आ गए हम? तो भाई लाइन अभी भी फैक्ट्स वाली ही है और आज भी फैक्ट्स पर ही बात करेंगे। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक दिन सूरज पश्चिम से उदय हो और पूर्व में जाके अस्त हो जाए? इसके लिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई रॉकेट साइंस यूज करनी है। बस एक काम हो जाए कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना बंद कर दे और अपना रिवर्स गियर लगा के उल्टी दिशा में घूमना शुरू कर दे और इसका परिणाम यही होगा कि सूरज पश्चिम से उदय होता दिखाई देगा। पर सिर्फ इतना ही होता तो हमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती। बस सुबह उठ के जो जल हम पूर्व दिशा में चढ़ाते हैं वो पश्चिम की ओर चढ़ाने लगते, दैट्स इट। लेकिन यहाँ पर इसके होने के साथ ही बहुत ही खतरनाक परिणाम देखने को मिलेंगे। आज इसी बारे में बात करेंगे और हाँ, ये कोई साइंस फिक्शन स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ, ये सच में हो सकता है। तो आगे जो बताऊंगा उसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। सो वेल, हेलो गाइज, मेरा नाम है अंकुर और सब्सक्राइब कर लीजिए द ट्रूली अनटोल्ड को आने वाले जबरदस्त वीडियोस के लिए। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमना बंद करने से कितनी बर्बादी आ जाएगी, तो अब आप जहां भी हैं थमे रहिए क्योंकि पृथ्वी घूमना बंद करने ही वाली है। आपको ये तो पता ही होगा, अर्थ एक दिन यानी 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करती है और इससे ही हमें दिन और रात मिलते हैं। लेकिन अर्थ घूम क्यों रही है? तो इसकी वजह है पृथ्वी से होने वाले वो टकराव जो करीब 4.5 अरब साल पहले प्लैनेट के जन्म के समय हुए थे। और स्पेस में इस पृथ्वी की रफ्तार को कम करने के लिए कोई फोर्स ना होने की वजह से ये अरबों सालों से घूमती जा रही है। अब अगर ये अचानक से घूमना बंद कर दे तो आप एक झटके के साथ अपनी सरफेस से उड़ जाएंगे। ये कुछ वैसे ही होगा जैसे आप 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती हुई बाइक पर बैठे हैं और अचानक से फुल फोर्स के साथ ब्रेक लग जाए तो आप बहुत दूर गिरेंगे जाके। अब अगर पृथ्वी घूमना बंद कर देती है तो भी एटमॉस्फेयर चलता रहेगा। अब इससे होगा ये कि हालांकि सारी चीजें अचानक से रुक जाएंगी पर तेज आंधियों का चलना नहीं रुकेगा और ये कोई हवाएं नहीं होंगी बल्कि अभी तक के आए किसी भी तूफान से ज्यादा तेज होगी। क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसकी रफ्तार क्या होगी? इनकी रफ्तार 1670 किलोमीटर प्रति घंटे तक की होगी जो आपको फर्श से अलग कर देगी। इतना तेज तूफान पृथ्वी के क्रस्ट को फाड़ के रख देगा। अब इतनी रफ्तार का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि सबसे भयानक F5 टोर्नेडोस की रफ्तार 511 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। ये तूफान आपके घरों को उखाड़ सकते हैं, आपकी गाड़ियों को उड़ा सकते हैं, पर हाँ, आपको पृथ्वी के बाहर तो नहीं फेंक पाएगी क्योंकि पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकलने के लिए आपको जो जरूरी रफ्तार चाहिए वो है 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की। अब ये तूफान ही सिर्फ इकलौता खतरा नहीं है। आपको ये तो पता ही होगा कि हमारी पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है बल्कि इसके तेज रोटेशन की वजह से इक्वेटर के पास थोड़ी फूली हुई है यानी चपटी है। तो अब जब पृथ्वी घूमना बंद कर देगी तो तेजी से ये बिल्कुल गोल आकार में बदल जाएगी और इसे इक्वेटर के पास इकट्ठा सारा पानी पोल्स की तरफ बहकर जाने लगेगा जिससे भयानक सुनामी आएगी। और अब जैसा कि मैंने कहा था कि ये पृथ्वी उल्टी दिशा में घूमने लगे तो ये सारी चीजें फिर से दोबारा होंगी, मतलब तूफान और सुनामी। लेकिन तब तक धरती पर कुछ भी नहीं बचेगा, ना ही कोई बिल्डिंग, ना कोई टेक्नोलॉजी। हाँ, शायद सभी लोग ना मारे जाएं, पर हाँ, कई अरब लोग इस तबाही में मारे जाएंगे। अगर धरती की परतों की बात करें तो इसको 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है जिनमें क्रस्ट सबसे ऊपर, मेटल दूसरी परत और कोर सबसे अंदर का हिस्सा। तो असल में अभी कुछ ही दिनों पहले एक नए अध्ययन में यह पता लगा है कि पृथ्वी की कोर ने घूमना बंद कर दिया है। इतना ही नहीं बल्कि घूमने की दिशा भी बदल दी है। हालांकि आंतरिक कोर ने 2009 में ही घूमना बंद कर दिया था और अब घूमने की दिशा बदल चुकी है। अब इसकी वजह से पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में जितना समय लेती है उसमें थोड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पेकिंग विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने बताया कि इससे पहले 70 के दशक की शुरुआत में धरती की दिशा में बदलाव हुआ था। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि अब साल 2040 के मध्य में इसकी दिशा में बदलाव होगा। अब इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि कोई भयानक तबाही देखने को हमें ना मिले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और रोमांचक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा है। बाकी एज ऑलवेज सब्सक्राइब करो द ट्रूली अनटोल्ड को क्योंकि ऐसा कॉन्टेंट कहीं और नहीं मिलेगा।